यहाँ से सेलिब्रिटी शाहरुख खान अलीबाग के बंगले में यहाँ से जाते हैं मालूम है, उनकी प्राइवेट। तो हम लोग निकल चुके हैं, 5 मिनट लगे बोल रहे हैं। क्या बात है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 एंड टुडे इज माय बर्थडे। योर बर्थडे। और देखो हालत देखो, तबीयत फुल डाउन है गाइस। बराबर आज क्या टाइमिंग है यार, अभी प्रॉपर सर्दी आ गई है। बोल रही थी मैं इतनी भाग दौड़ मत करो। अरे भाग दौड़ से अभी करते हैं, उसमें क्या है, एक दिन तो रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा असलियत छुपाने के लिए एनर्जी नहीं है कुछ करने की तो क्या करेंगे। कभी मेरा बर्थडे आज तक ऐसा बीमारी में नहीं गया है, फर्स्ट टाइम है मैं बीमार हूं। हां ना, मुझे ऐसे ऑड लग रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, कल तक शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा होपफुली। इस बार गुब्बारे नहीं लाए ना अपने, इस बार मैंने सस्टेनेबिलिटी ट्राई की है, वो बलून्स और वो सब प्लास्टिक का हम फेंक देते हैं, कचरा हो जाता तो है। दिस वी कैन रीयूज एवरी टाइम फॉर एवरी बर्थडे। हां एक्चुअली अच्छा आईडिया है। ए काजू तेरे को, ए 12 बज गए, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कितना बर्थडे ये है मेरा, 32nd कंप्लीट, 33 रनिंग। हाँ यार अभी लग रहा है कि 32 हो गया यार मैं। सॉरी गाइस थोड़ी एनर्जी डाउन है बिकॉज मैं ठीक नहीं हूँ, तो देख सकते हो। अरे काजू, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे केक ला गया है ठकुराइन जी के द्वारा, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सब इसी ने किया है। और देखो तो से कितना मस्त किया हुआ है, देखो। ओहो क्या बात है, अच्छा हुआ चॉकलेट नहीं लाया। चीज केक, अरे वाह चीज़ केक ही तो मेरा फेवरेट है। छोड़ो निकाले देता हूँ, जो है वो है। राइड पे भी तो जाना है, कैसे जाऊंगा राइड पे, थोड़ा डिले कर लेना। अरे डिले कैसे करेंगे, मम्मी पापा आने वाले हैं, नहीं कर सकते यार। ठीक है देखते हैं, होपफुली हो जाएगा। आज की रात मैं सो जाऊंगा, कल पॉसिबली मेरा बर्थडे का जो डे है थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, देखते दोस्तों बीमारी में केक कट करते हैं। चलो हमारी फैमिली तो यहाँ नहीं है लेकिन वर्चुअली हमको देख रही है, आप भी हमारी फैमिली के मेंबर जैसे ही हो सब लोग, तो थैंक यू सो मच। काफी लोग ये वीडियो में, हम आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग विश करेंगे, सो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं 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 नहीं, अरे यू आर फर्स्ट। केक थोड़ा ठंडा है लेकिन ठीक है, चीज केक। तो काजू को कैसे भूल सकते हैं, वैसे देना नहीं चाहिए ज्यादा लेकिन कभी थोड़ा चलता है, चलता है। काजू बर्थडे मेरा बर्थडे। हेलो काजू, गुड बॉय। और ये रहे कुछ छोटे छोटे मोटे गिफ्ट्स। अरे इसकी क्या जरूरत थी। चेहरा देखो कितना फेक है। एक्चुअली क्या है, हमारा अमेज़न प्राइम अकाउंट सेम है, कुछ चीजें इन्होंने कार्ट में ऐड करके रखी थी। अच्छा उसमें भी लिया गया। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, ये तो इसका काम इजी हो गया। मुझे लेना है बट कभी लिया नहीं शायद, और वो कार्ट में थी, और इनके लिए कुछ टेक रिलेटेड चीजें लेना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उस कार्ट में थी इसलिए फिर मैंने कर दिया, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं सबसे पहले। अच्छा दो है वो, ये तो अपना मैकबुक के लिए रिचार्जेबल माउस है। ये तो काफी टाइम से मैं देख रहा था, मैकबुक में ये ऐसा कुछ डोंगल यूज करना पड़ता है, इसमें 2 USB पोर्ट्स बराबर है, तो एक हमेशा ये माउस का ये खा लेता है एडिटिंग के टाइम पे, तो एक ही रहता है खाली। अभी क्या होगा, अभी ये रहेगा, अभी दोनों खाली रहेगा क्योंकि ये माउस डायरेक्टली ब्लूटूथ यूज कर लेगा। ओके देन, गुड गुड गिफ्ट, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, ये कुछ बाइक का पार्ट है क्या। अरे बाप रे, ये मेरे लिए गिफ्ट हुआ कि बादल के लिए गिफ्ट हुआ। वो इंश्योरेंस के लिए है। ये हेडलाइट ग्रिल है, ये कैसे मालूम तेरे को, यू एडेड इट। अरे भाई साहब। मैंने अपने सौतन के लिए एक गिफ्ट ले लिया। अच्छा अरे मस्त है, देख एक्सेस में देख। कायला घर में हम जो कुछ भी करे काजू उसमें मुंह मारता ही है। एनीवेज राइट नाउ इट इज 1:30, बर्थडे बॉय इज हियर। एनर्जी डाउन ही है, मतलब कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं हुआ लेकिन ठीक है, हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, आज का दिन तो इसी में जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठकुराइन जी का सरप्राइज है, पूछ के मैं थक गया लेकिन। तो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ कहाँ रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, वो भी जाके पता चलेगा। फिर मेरे को इतना मालूम है साउथ बॉम्बे जा रहे हैं,
बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वो भी क्योंकि गाड़ी चलाना है ना, मतलब यू वोंट गेस, पहुंचने तक ही विल नॉट बी एबल टू गेस। मैं गेस ही नहीं कर पा रहा हूं। अब तो बता दे कहां जा रहे हैं। आ गए ना, ये क्या गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे यहां के फोटो खींच लेंगे। हां कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो रहा है। बहुत टाइम बाद यहां पे आया हूं। यहां से कहां पे? गेट के अंदर। और अभी अभी हमने देखा कि वेन्यू को मसकली को सामने से स्क्रैच है। अभी क्यों देखा यार? अरे उसी ने दिखाया है, वो बोला कि बाद में आप मेरे पे ब्लेम डालोगे पार्किंग वाला। मूड ऑफ हो जाता है यहाँ पे। मूड ऑफ क्या, अभी तबियत खराब है, क्या है मूड ऑफ करेंगे। ओके सो यहाँ पे एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। तो लेट मी टेल यू, आई हैव बुक्ड अ प्राइवेट यॉट। क्या यॉट? प्राइवेट मतलब उसको कोई नहीं? नहीं दोनों ही। ठाकुरान जी ने तो गहराइया कर दी यहाँ पे। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए मोबाइल से करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वॉइस जो है वो आपको थोड़ा ऐसा ऐसा आएगा, लेकिन अभी सेल करेंगे, मस्त एंजॉय कर लो। दो घंटा। हाँ। तो यहाँ से हम लोग बोट पकड़ने वाले हैं। अभी ये है ट्रांसफर बोट। यहाँ से सेलिब्रिटी शाहरुख खान अलीबाग के बंगले में यहाँ से जाते हैं, मालूम है? उनकी प्राइवेट। तो हम लोग निकल चुके हैं, 5 मिनट लगेगा बोल रहे हैं। क्या बात है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। नहीं तो अपना रोरो पकड़ते अपन इधर से। अरे देखो 5 मिनट भी नहीं हुए, हम लोग कितना दूर आ गए। वाह क्या मस्त लग रहा है यार। वो देखो वैलेंटाइन वाली बोट। हाँ, कल किसी ने प्रपोज किया होगा। हाँ हो सकता है। वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस। तो ये देखो ये सारी तैयारियां करके रखी है। सो दिस इज अ मिड साइज यॉट। ये देखो ये पूरी स्पेस है। अभी बाहर धूप है इसलिए हम लोग ज्यादा बैठ नहीं रहे, थोड़ी देर बाद धूप कम हो जाएगी तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। और ये कुछ सनरूफ जैसा है। और ये देखो इतने दूर हम लोग आ गए, वो देखो ताज। और यहाँ पे हमारी नैया यहाँ पे सेल कर रही है। सेल कर रही है मतलब ये देखो इस पे सेल कर रही है, मोटर नहीं लगी है। तो यहाँ से इनको कंट्रोल करते हैं, ये इसको, और फिर इसको ऐसा घुमाते हैं, सही है। और ये देखो अंदर पूरा का पूरा एक रूम जैसा है, काफी बड़ा है, 8 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो कंपनी में इसको मैंने कांटेक्ट किया था इसके लिए, जेट फ्लीट एविएशन, क्योंकि टोटल मुंबई में 25 प्लस बोट्स है, बोट यॉट ऐसे। और ये जो है ये मतलब मिड सेगमेंट में आती है, 8 पीपल अकोमोडेट कर सकते हो। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो उनके लिए कुछ है क्या? तो अगर आप वॉन्डसेन के रेफरेंस से वीडियो देख के आते हो तो डायरेक्टली 50% ऑफ मिलेगा। ये हुई ना पते की बात, 50% ऑफ, क्या बात है। तो गाइज आपको अगर इंटरेस्ट है, काफी अलग अलग टाइप के वैसे, सिर्फ यही नहीं है, बड़ी भी है, तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, रेफरेंस दे के 50% ऑफ ले सकते हो यहाँ पे आप। ऐसा लग रहा है रेस कर रहे हैं। ये किधर जाती है बोट? अच्छा ये पहले वाली चलती है। ये देखो अभी इसने पलटी मार लिया, अभी इधर आ गया। तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो थोड़ा ऐसा 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 हवा के हिसाब से। तो ये बड़ी यॉट नहीं है, ये छोटी यॉट है ना, मिनी यॉट बोल सकते हैं, छोटी यॉट है। तो वो देखो वो आइलैंड है ना, वो हम लोग रोरो से बहुत देखते थे। ब्रिटिश के टाइम में क्या जेल था? जेल बता, अभी नेवी गेट। अच्छा अभी नेवी गेट। ये देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं। डर लग रहा है, मतलब थोड़ा रिस्की लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है, स्लो स्लो बोट है। और वो देखो ताज, ये देखो अभी टर्न मार रहे हैं, देखो अभी देख टर्न मार लिया, अभी धूप यहाँ से यहाँ आ गई। वाह क्या बात है। चलो जाने का टाइम आ गया है, ये अपनी बोट, इससे हम जाएंगे वहां पे सेम जैसे आए थे वैसे। वाह मस्त लग रहा है ना। सेलिंग के बाद हमको भूख लगी है इसीलिए सैंडविच, बेसिक सैंडविच और चाय। अभी डायरेक्ट घर पे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो इंशाल्लाह माशाल्लाह परफ्यूम्स। किधर जाने का आपको? इंशाल्लाह माशाल्लाह परफ्यूम्स, एकदम बेस्ट क्वालिटी परफ्यूम होगा, मतलब इंशाल्लाह और माशाल्लाह। फिर क्या, यहाँ पे बहुत अच्छे शॉपिंग के, मतलब स्ट्रीट शॉपिंग के स्टॉप्स है। हाँ है, लेकिन आज नहीं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और टाइम भी कहाँ है, अभी ट्रैफिक लग जाएगी अपने को।
तो दोस्तों दिस इज द सेकेंड डे बर्थडे, तो कल था, कल मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया। गाड़ी में जैसे आया बहुत ट्रैफिक मिली हमको, 2-2.5 घंटे लग गए घर पे आके, खाना खा के मैं सो गया। अभी ठीक हूँ, मतलब ठीक नहीं हूँ, कफ है बहुत ज़बरदस्त, कफ खांसी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कल ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। मेरा बर्थडे था फिर भी, 11-11.5 घंटे सोया हूँ, अभी कहा उठा हूँ। सबके फोन आ रहे थे, मैं सबको बता रही थी सो गए, फोन भी नहीं मैंने उठाया कल, तो हालत टाइट है। टेक्निकली कल मैं राइड पे निकलने वाला था, मैं और मेहता साहब, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। देखते परसों देखते, या मे बी आई डोंट नो कब देखते। तो कैसे तो भी करके मैं थोड़ी एनर्जी बटोर रहा हूँ टू एडिट ये वाला व्लॉग। आज एडिटिंग तो कर ही सकता हूँ, बट ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो एक्सेसरी ठकुराइन जी ने दिए हेडलाइट, वो वाले मैं अभी लगा दूंगा, ताकि एटलीस्ट उतना तो कर लूँ, है ना। तो 5 मिनट का काम है, तो हो जाएगा वो। तो जाते हैं अभी, लगाते हैं वो और देखते हैं गाड़ी कैसी दिखती है, बादल कैसे दिखता है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें आई हुई है, दिस इज़ द मेन थिंग, ये अपने हेडलाइट ग्रिल। तो ये है 2 ब्रैकेट्स जो लगेंगे, और ये स्क्रूज़ है जो इसको लगेंगे। अभी देखो ग्रिल कैसी लगेगी, मुझे लगता है कुछ ऐसी ग्रिल लगेगी, और ब्रैकेट्स लगेंगे ये यहाँ पे, देखते हैं। चलो ठीक है, एक बार देखता हूँ कि कैसे लगाते हैं और फिर स्क्रू निकालते हैं। ये 2 ब्रैकेट मैंने लगा दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो फोटो देख के लगाए तो इट इज़ राइट। हेडलाइट अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं वैसा, अगर चाहे तो ठीक है, ये एंगल बराबर है। और ये ग्रिल आएगी ऐसी, ये देखो क्या डोप लग रहा है यार। ओके, सो हेडलाइट ग्रिल लग चुकी है, और क्या दिख रही है बॉस, एकदम एडवेंचरस। जो फेस था गाड़ी का बादल का, वो और ज़्यादा एडवेंचरस हो गया है, देख लीजिए, अभी देख लीजिए। ओ हो, बहुत ही कते ही एडवेंचरस, क्या बात है। और इससे कोई हेडलाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइट इतना भी कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, एनी विच वेज अपन यहाँ पे नए लाइट्स अपने लगा देंगे, तो ये मस्त दिख रहा है, एकदम बढ़िया मस्त लग रहा है। अभी लाइट्स लगवाने हैं, आज अगर एनर्जी रही मेरे पास तो कर दूंगा, नहीं तो फिर कल करूंगा। सो इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे विशेष देने के लिए इंस्टाग्राम पे, सब मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऑक्यूपाइड था और तबियत वीडियो डाउन थी, बट मैंने ऑलमोस्ट सारे मैसेज पढ़े हैं, सो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो में भी कमेंट्स करेंगे आप लोग, सो थैंक यू सो मच। कल मैं राइड को निकलने वाला था, लेकिन नॉट श्योर, कल तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं, मे बी डे आफ्टर टुमारो, देखते हैं, आई होप ठीक हो जाऊँ। चलो।